राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मौसम ने ली करवट। 5:15 बजे से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कहीं किसानों के लिए लाभदायक भी है। वहीं कोविड-19 के चलते आम जनता के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि शीतकाल में कोरोना का अधिक प्रभाव होता है। खासकर जो लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं या सांस दमे के मरीज हैं, ऐसे लोगों को इस मौसम से बचना चाहिए और आम नागरिकों को भी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मगर देखने में आ रहा है ना तो लोग नाक से लगा रहे हैं और ना ही इस पानी से बच रहे हैं, ना ही जो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। खासकर बुजुर्ग लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब ये उनकी गलती है, कायदे से उनको सबको मास्क लगा के रहना चाहिए। मास्क तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है इसके लिए, बचाव के लिए। मेरे पास भी रखा है, दुकान में बैठा इसलिए नहीं लगाया। और अभी ब्याह शादी में भी जनता ज़्यादा दिख रही है। हाँ, तो सरकार ने बना दिया कानून, अब तो अपने को समझ के जानी कम जाना चाहिए, कम ही लोगों को बुलाना चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना चाहिए। अपने यहाँ तो भगवान की कृपा है, वैसे नरसिंहगढ़ तहसील में अपने भी बच्चा बच के रहना चाहिए। और देखिए, सावधानी वही है, चूँकि मौसम ठंडा हो रहा है और इस मौसम में वैसे भी हर साल कॉमन कोल्ड कफ और जो साधारण फ्लू है उसके मरीजों की संख्या बढ़ती है। और जैसा कि विदित है कि वर्तमान में कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, हालांकि केसेस कम हुए हैं चूँकि, पर कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है और दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं। तो पिछले लगभग एक साल से जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं शासन द्वारा, उन्हीं का हमें फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सार्वजनिक स्थल पर मास्क का उपयोग करें। मास्क एक अकेला ऐसा हथियार है जो कि कॉमन फ्लू हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, इन सब बीमारियों के सबको के संचरण को रोकने में सक्षम है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन